ये देखिए आज हमारे देसी धनिए की थ्रेशर हो रही है। ये देखिए टोकरी वाली थ्रेशर है, ये बड़ा साफ माल निकालती है, अच्छा माल निकालती है। ये इस धनिए की कटाई पहले हो चुकी थी, इसके ऊपर पानी गिर गया और पूरा गड़बड़ है। ये बड़ी मुश्किल से धनिया निकल रहा है, देखते हैं कितना क्या इसका उत्पादन निकलता है। काला पड़ चुका है धनिया और ये इधर से लाते भी जा रहे हैं और ये यहाँ पर ढेर भी लगा है। अब देखते हैं कैसा क्या इसका उत्पादन निकलता है। तो दोस्तों आज इसका देसी धनिया का फाइनल रिजल्ट होगा, 2 बीघे का है ये, तो देखते हैं आगे। ये जो आप थ्रेशर देख रहे हैं, इस थ्रेशर को हमारे यहाँ पर टोकरी वाली थ्रेशर कहा जाता है और वो दूसरी थ्रेशर होती है, उसे कटर मशीन या कटर वाली थ्रेशर कहा जाता है। ये जो थ्रेशर है, ये थ्रेशर धनिए के लिए और सरसों के लिए सबसे उपयुक्त थ्रेशर है, क्योंकि ये यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, इसमें ये कटर जैसा लगा होता है तो माल यहीं पर एक बार पहले से इसी में टूट जाता है, ताकि और जब माल इसमें यहाँ से टूटता है तो वो यहीं पर निकल जाता है। उसके बाद फिर जब कटर में पहुंचता है तो वहाँ पहुंचते उसमें माल नहीं के बराबर रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आगे जो भूसे में माल जाने की संभावनाएं नहीं के बराबर होती है। और ये जो थ्रेशर है ये बहुत ही क्लीन और साफ बिल्कुल अच्छा माल ये निकालती है। ये देखिए कितना अच्छा इसने माल निकाला है और बिल्कुल पीछे भूसे में भी नहीं गया। और ये जो आप देख रहे हैं, इसे सीधे ट्रॉली में भी लगा सकते हैं, पूरा सिस्टम है इसमें, ट्रॉली में लगा दें या इधर नीचे से ले लें या बीच में ले लें, 3 जगह इसमें सिस्टम है, यहाँ से अपन माल ले सकते हैं। और यहाँ पर भी चाहे तो अगर तगारी से ले लें या तगारी से नहीं लें तो यहाँ पर पूरे बोरी, सीधी बोरी भी इसमें लगा सकते हैं, और जिस प्रकार से करना चाहें इस प्रकार से इसमें हम कर सकते हैं। बड़ा साफ़ सुथरा ये माल निकालती है। और देखिए धनिए की ये जो थ्रेशर हो रही है, कितना अच्छा ये माल निकाल रही है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार ये यहाँ पर। और देखिए इस थ्रेशर को कैसी है, ये थ्रेशर किस प्रकार से इसकी ये बनी हुई है, देख सकते हैं आप इसको। और ये हमारे देसी धनिए की आज ये थ्रेशर हो रही है। और देखिए ये जो थ्रेशर है बिल्कुल समाप्ति की ओर है, ये पूरा माल निकल चुका है, ये इधर थोड़ा सा और बचा है, ये देख लीजिए आप। और ये देखिए ये इस प्रकार से इसमें माल दिया जाता है और गियर होते हैं, गियर से आगे पीछे इसमें कर सकते हैं। अगर माल फंस जाए, गीला माल है, तो गियर से अपन वापस पीछे कर सकते हैं। बड़ा अच्छा इसमें इस थ्रेशर में सिस्टम है। और ये देखिए ये हमारा धनिया कैसे। दोस्तों हमारे जो देसी धनिया है उसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी, मतलब उसकी थ्रेशिंग हो चुकी है और थ्रेशर होने के बाद माल निकला है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए मज़दूर, ये लड़के देखिए दिन में तीन बजा है और खेत देख लीजिए, फांसे जिनके ऊपर ये सोए हुए, जहाँ लोगों को नींद की गोलियाँ खाने के बाद नींद नहीं आती, उसके बाद मेहनत करने वाले कहीं भी सो जाते हैं। तो मेहनत करने में और आरामदायक जीवन जीने में ये अंतर होता है। लोग नींद की गोलियां खा खा के सोते हैं फिर भी नींद नहीं आती, स्पंजी वालों पर एसी के रूमों में सोते हैं तो नींद नहीं आती, और ये किसान लोग देख लीजिए आप। 2 बीघे की थ्रेशर हुई है और 2 बीघे का ये फाइनल रिजल्ट है। ये समथिंग 8 क्विंटल के समथिंग माल है, 2 बीघे का 8 क्विंटल, 4 क्विंटल के हिसाब से इसने औसत दिया है। इस साल देसी धनिए में काफ़ी अधिक फूल मार हुई है, उसकी वजह से उत्पादन में काफ़ी कमी आई है। इसके बजाय जो यहाँ मालवा में कहा जाता है धनी या चाइनीज़ धनिया, वो उसका उत्पादन ज़्यादा रहा है, उसका उत्पादन 5-6 क्विंटल तक उसका उत्पादन रहा है। और ये देसी धनिया का उत्पादन 2 क्विंटल 3 क्विंटल 4 क्विंटल, ये यहाँ पर 4 क्विंटल पर बीघे के हिसाब से उत्पादन निकला है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।